हेलो गाइस, दिस इज रॉनी। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैं तो आप लोगों से माफी मांगना चाहूँगा, क्योंकि 3 हफ्ते बाद मैं मेरा नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। किसी रीजन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं, लेकिन मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। सो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ लर्निंग स्किल्स। कोर्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन स्किल्स लर्न क्यों करना है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी बिगिनर्स हैं, जो टीचर्स के पास जाते हैं, वो टीचर उनको आधे साल तक कॉर्ड सिखाते हैं, ये कॉर्ड वो कॉर्ड। उनको अगर पूछा जाए 6 महीने बाद कि तुम क्या सीखे हो, तो वो बताएंगे मुझे सी मेजर कॉर्ड आता है, माइनर कॉर्ड आता है। दिस नॉट डन। आपको स्केल भी जरूरत है, फिंगर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी बहुत जरूरी होता है। वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको हो सके तो फिंगर एक्सरसाइज बहुत बोरिंग लगे, लेकिन बाद में बहुत काम आए। तो स्किल्स क्यों लर्न करना है? जैसे आप स्किल बहुत सारी चीज़ में आपको स्किल यूज़ होती है, जैसे कोई गाने गाने का कॉर्ड, टैब्स, की निकालने में स्किल बहुत हेल्प करती है आपको। जैसे मान लीजिए कोई सी मेजर स्केल में सॉन्ग है, तो उसे मैं कैसे निकालता हूँ? मैं पहले गाना सुनता हूँ। गाना सुनते वक्त 5th और 6th स्ट्रिंग में वो नोट्स हिट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं सी जो नोट है, कहीं ना कहीं सी नोट वहाँ पे मैच कर जाता है। मुझे हालांकि नहीं पता होता है कि वो सी होता है, लेकिन हिट करते करते सी जो नोट है वो कहीं ना कहीं मैच कर जाता है, तो मुझे वहाँ पता चलता है कि हाँ ये सी मेजर है। तो मुझे ये डिसाइड करना होता है कि मेजर है या माइनर है, वो मैं सुन के पता करता हूँ कि हाँ ये मेजर ही है, क्योंकि मेजर सी मेजर और माइनर में बहुत डिफरेंस है। तो मेजर और माइनर में जो डिफरेंस है वो आपको कान बताएंगे, वो आपको खुद डिसाइड नहीं करना, कान आपको बता देंगे इजीली। तो आपको बहुत सारे गाना, बहुत सारे कॉर्ड्स प्ले करना है और सुनना है, ये आपका काम है, ये आपको सुनना पड़े। तो और एक जो चीज़ है, जैसे कोई गाने के इंट्रो आपको बहुत पसंद आया है, लेकिन आप उसके टैब्स गूगल में या कहीं पे नहीं मिल रहा है टैब्स, तो आपको वो खुद ढूंढना होता है। लेकिन आप ढूंढते वक्त आपको बहुत डिफिकल्टी होती है कि कहाँ पे ढूंढूँ, कौन सा नोट है। तो सबसे इजी तरीका जो है, आप पहले उसका की ढूंढिए। मान लीजिए सी मेजर ही है उसका की, पहले की ढूंढिए। की ढूंढने के बाद स्केल को अगर आप अच्छे से लर्न किए हैं, तो आपको मालूम है कि 1 से 12 तक सी मेजर में सी डी ई एफ जी ए बी, ये 7 नोट कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे प्ले हो रहा है, कितने शेप्स है, वो आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है, देन लर्न स्केल। मेरा नेक्स्ट वीडियो स्केल के ऊपर ही आ रहा है, मैं 2-3 स्केल एक ही वीडियो में सिखाऊंगा, तो वो 3-4 दिन तक आ जाएंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको वो सिखा दूंगा। तब तक आप स्केल सीख के वो पहले आप स्केल सीख लीजिए, उसके बाद जैसे सी मेजर है, आप वो मन ही मन वो जो इंट्रो है उसे याद कीजिए, सुनिए अच्छे से 3-4 बार, 5-6 बार सुनिए। सुनने के बाद जो उसके जो वॉइस है, जैसे मान लीजिए वो गिटार में या कोई इंस्ट्रूमेंट में नहीं बज रहा है, कोई गा रहा है, कोई वॉइस हो रहा है, तो वॉइस को अपने मन में आप गाइए, वो उसी इंट्रो को मन में गाइए। गाने के बाद जहाँ जहाँ पे सी मेजर शेप्स है वहाँ वहाँ प्ले कीजिए, आप पूरे ऑल ओवर फ्रेडबोर्ड में ढूंढिए कहाँ पे वो नोट है, कैसे बज रहा है। पहले एक लाइन आप ढूंढिए अच्छे से। ढूंढने के बाद अगर वो परफेक्ट लगा, आप सुनने के बाद आपको परफेक्ट लगा, तो फिर आप आगे बढ़िए। यहाँ स्केल आपको हेल्प किया। फिर नेक्स्ट, आप किसी सॉन्ग के कॉर्ड्स ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर आप बिगिनर हैं तो आप गूगल में ढूंढेंगे सबसे पहले। अधिकतर बिगिनर्स यही करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है, कोई नहीं करता है, जो कॉर्ड्स ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो कॉर्ड्स ढूंढ नहीं पाते हैं वो गूगल में सर्च करते हैं उस कॉर्ड्स को। ऐसा मत कीजिए। आपको सी मेजर स्केल पता है तो आप वो उसे ढूंढिए। जैसे सी मेजर स्केल में सी से लेके बी तक जितने 7 नोट्स प्ले होते हैं, 7 नोट्स में जो कॉर्ड्स प्ले होते हैं वो है 3 मेजर कॉर्ड्स है और 4 माइनर कॉर्ड्स है। वो कैसे है? पहला सी नोट रूट नोट मेजर होता है, सेकेंड थर्ड माइनर होता है, यानी 1 मेजर माइनर माइनर, 4th और 5th मेजर होता है। तो मेजर रूट नोट मेजर, उसके बाद माइनर, सेकेंड थर्ड माइनर, 4th मेजर 5th मेजर, 6th माइनर, 7th डिमिनिश और 8th जो रूट होता है वही।
एट सेवेंथ जो होता है वो आप डिमिनिश भी प्ले कर सकते हैं, माइनर भी प्ले कर सकते हैं। तो पहले से क्या हो जाता है, सी मेजर, सी मेजर में पहला मेजर, सेकेंड डी नोट माइनर, थर्ड ई नोट माइनर, फोर्थ एफ नोट मेजर, फिफ्थ जी नोट मेजर, सेवेंथ सॉरी सिक्स्थ ए नोट माइनर, सेवेंथ बी नोट माइनर। आप उसे ये भी डिमिनिश भी प्ले कर सकते हैं, सॉरी मैं डिमिनिश भी प्ले कर सकते हैं। सेवेंथ हुआ माइनर, फिर देन रूट नोट मेजर। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। तो आपको ये याद कर लेना है, कोई भी मेजर स्केल में, मेजर की में कॉर्ड्स, उसके जो कॉर्ड्स होते हैं, की कॉर्ड्स जो होते हैं वो है मेजर माइनर माइनर, मेजर मेजर माइनर माइनर। ये आप अगर याद कर ले तो कोई भी मेजर की में आप कॉर्ड्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। अधिकतर पहले आप कोशिश करेंगे 1 4 5 यानी तीनों मेजर कॉर्ड्स डाल के आप कॉर्ड निकालने का कोशिश कीजिए। और एक बात, सी मेजर में कोई भी मेजर, सी मेजर नहीं मान लीजिए कोई भी मेजर में, मेजर की में जो सिक्स्थ 6 नंबर नोट होता है वो तो माइनर होता ही है, वो माइनर सी मेजर या उस मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर होता है। जैसे इजीली सी मेजर में सिक्स्थ नोट होता है ए, यानी सी मेजर का रिलेटिव माइनर स्केल होगा ए माइनर। तो सी मेजर में जितने भी नोट्स हैं, 7 नोट सी से लेके बी तक, वही सेम नोट ए माइनर भी बजेंगे। लेकिन कैसे बजेंगे, सी मेजर में बजता है सी डी ई एफ जी ए बी, ए माइनर में बजेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे सेम नोट से। तो इसका मतलब ये भी हुआ, सी मेजर कॉर्ड, सी मेजर की में जो कॉर्ड्स बजते हैं वो ए माइनर में भी सेम कॉर्ड्स बजेंगे। मेजर स्केल कैसे फॉर्म होता है, मेजर या माइनर कोई भी स्केल का एक फॉर्मेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है कि ऐसे बनता है कॉर्ड्स। तो जो फॉर्मूला है वो इजीली मैं आपको दिखाता हूँ सी मेजर में, सी मेजर स्केल में। तो सी मेजर स्केल में सबसे पहला जो नोट है वो है सी, उसके बाद है डी, डी है यहाँ पे फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पे, सी देन डी। तो सी और डी के बीच में यहाँ मैंने सी शार्प छोड़ा, तो सी से अगर मैं सी शार्प तक जाता तो मैं उसे कहता हाफ स्टेप, लेकिन मैं सी से डी तक गया एक फ्रेट छोड़ के गया, तो इसका मतलब यह हुआ होल स्टेप। तो सी हुआ रोट, उसके बाद हुआ होल स्टेप, उसके बाद फिर होल स्टेप, ई बीच में मैंने एक फ्रेट छोड़ा, तो इसका मतलब होल स्टेप। तो पहले से देखते हैं, फिर रोट होल स्टेप होल स्टेप, उसके बाद आता है एफ, एफ नेक्स्ट ई के नेक्स्ट फ्रेट में आता है एफ, यानी ये वो हाफ स्टेप, यानी रूट होल होल हाफ। एफ के बाद आता है जी, ये भी हुआ होल स्टेप, रूट होल होल हाफ होल, उसके बाद फिर होल। यहां पे जी के बाद आया ए, उसके बाद ए के बाद आता है बी, बी बी ए और बी के बीच में आता है ए शार्प, उसको मैंने छोड़ा, तो इसका मतलब ये भी हुआ होल स्टेप, फिर रूट। तो फॉर्मूला क्या हुआ, रूट होल होल हाफ होल 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 हाफ, राइट। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके जो माइनर कॉर्ड का जो माइनर स्केल का जो फॉर्मूला वो मैंने वहाँ पे लिख दिया। तो अगर आपको समझ में कुछ दिक्कत हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा ईमेल आईडी भी है, फेसबुक का पेज भी है, फिर मेरा ब्लॉग भी है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको समझा दूँगा, उस पर वीडियो बना के आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग सीख सकें। सो प्रैक्टिस अलॉट, प्ले अलॉट, टेक केयर, बाय बाय।